बीजेपी के भीतर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की आवाज लगातार उठ रही है। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे दर्शकों के बीच से भी मोदी के पक्ष में नारे लगते रहे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी राग छेड़ दिया। हमने जैसे ही मोदी का सवाल किया तो पहले शत्रु के मुंह से निकला खामोश, और फिर शुरू हुआ लाल कृष्ण आडवाणी का गुणगान। खामोश वो तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो परफॉर्मेंस तो सबका अच्छा मान, नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, नरेंद्र मोदी का बहुत, शिवराज सिंह चौहान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जिस वक्त मैंने जो जिक्र किया इसको हमने पॉलिटिकल कलर ना देते हुए मैंने जिक्र किया आडवाणी जी को उनकी उम्र से मिलाया। पहली बात तो मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से उम्र में कोई बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं, बस आसपास ही हैं, पड़ोसी हैं इस मामले में, और दूसरा कि वो उनसे ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हैं, उनसे ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा विजनरी हैं। आयोजन में नरेंद्र मोदी फैक्टर इस तरह से दर्शकों के बीच छाया रहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय सुषमा स्वराज के नाम का नारा लगाने पर एक युवक सुबोध को वहीं थप्पड़ जड़ दिए गए। सुबोध से सुनिए उसे क्यों पीटा गया, और वो नारा भी सुनिए जिसकी वजह से उसे भव्य आयोजन में पीटा गया। तो हम जब सुषमा स्वराज का, जब हम प्रधानमंत्री का जब नारा लगाने, जब बार बार जब नारा लगाने लगे तो उन लोग जब खिसियाने लगे कि अबरी लगाओ तो हम अबरी लगाओगे तो अबरी लपड़ थपड़ होगा, तो हम फिर हम खड़े हो गए नारा लगाने के लिए सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उन लोग हमको पीटने लगे, मारने लगे। आयोजन हॉल से बाहर बीजेपी का एक कार्यकर्ता ब्रजकिशोर पांडे नरेंद्र मोदी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाते दिखे। हमने पूछा तो कहा गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की अनुमति से चला रहे हैं अभियान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ये तो हो चुका है। किसकी सहमति से आपने ये बैनर लगवाया? ये गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे के सहमति से मैंने बैनर लगवाया। वीर कुंवर सिंह बिहार के उन सपूतों में हैं जिन पर पूरा देश नाच करता है, लेकिन इनके विजयोत्सव को जैसा राजनीतिक रंग दिया गया वो अचरज में डालने वाला रहा। नरेंद्र मोदी, आडवाणी और सुषमा स्वराज अनुपस्थित रहकर भी उपस्थित रहे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत, आर्य न्यूज पटना।